बात्या कुने विभिन्न पाणिपाग संस्थार भिन्न भिन्न आकलन परे आंडामान उपकूल एक घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। यहा 20 तारीख बेळकु पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप रूप नेब। परवर्ती 48 घंटा रे घनीभूत होई अवपात किंबा गंभीर अवपात रूप नै पारे। भारतीय पाणिपाग विभाग लघुचाप जाय पूर्वानुमान करिछि। सेबडे विदेशी पाणिपाग संस्था एवं अन्य पाणिपाग विज्ञान माने आकलन करुछन्ति या क्रमश घनीभूत होई बात्यार रूप नेबाकु जाउछि। वर्तमान दक्षिण चाइना सागर रे आउ एक सिस्टम रहिछि जहा फळरे आंडामान उपकूल रे थिबा घूर्णिबलय वर्तमान घनीभूत होई पारु नाही। 21 तारीख रे यहा घनीभूत हेबा आरंभ हेबो। फळरे राज्य रे 23 रु 26 तारीख पर्यंत वर्षा हेबो। तबे लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई बात्या किंबा अति भीषण बात्या रूप नै पारे बोली पाणिपाग विशेषज्ञ आकलन करुछंती। घूर्णिबलय परे लघुचाप तापरे बात्या पई परिवेश अनुकूल थिबा विभिन्न पाणिपाग संस्था एवं विशेषज्ञक मत। तबे 20 तारीख परठु राज्य रे वर्षा लागि रहइबो बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। इन्हें अधिक आलोचना करिबा पाणिपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर संदीप पटनायक आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती। प्रोफेसर पटनायक आपको अनेक अनेक स्वागत करुच्छे न्यूज 18 ओडिया को। विभिन्न पाणिपाग संस्था विभिन्न विभाग आकलन पर आंडामान उपकूल में सृष्टि हो सारी घूर्णिबलय 20 तारीख बेलू कह पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप रूप नेब। परवर्ती समय यह घनीभूत हेब कि नहीं अधिक घनीभूत हो बात्यार रूप नेब कि नहीं बात्यार गतिपथ को नहीं आपण आकलन कौन वर्तमान। नमस्कार। वर्तमान आमर जो घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टि होइछि से आंडामान सागर तत्संलग्न जो पूर्व के आमर पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर आउ दक्षिण पूर्व बंगोपसागर से अंचल से वर्तमान घनीभूत धीरे धीरे आरंभ करिछि। आउ तार वर्तमान जो स्पीड रहउछि से 15-17 किलोमीटर बेगरे आमर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि। विंड स्पीड से 30-35 किलोमीटर पर आवर अछि। आउ से नियर अबाउट 1200 किलोमीटर आमर पूर्व दक्षिण पूर्व पुरी रु रहुची। वर्तमान जहाँ मोटामोटी लगुची जे सी घनीभूत प्रक्रिया रहिबो किंतु टिके मंथर रहिबो तेणु आशा करिबा जे 19 के 20 सुधा से लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होइजिबो। आउ तापरे सी टिके अधिका रेट रे तीव्र जोटा घनीभूत कि इंटेन्सिफिकेशन प्रोसेस से जिनस स्टार्ट करिबो। जो पीरियड टा लगुची 21-23 से ही पीरियड रे से तार रियल नेचर रिवील करिवो जे केते घनीभूत से हबो। वर्तमान आम गोटे ओवरऑल एस्टिमेट नेले जे लगुची 23-24 तारीख सुधा से गोटे बात्यार रूप नबार बहु संभावना अछि। आ 22 तारीख मध्य से गभीर अवपात रूप संभावना अछि नबार संभावना अछि। आ अपर लिमिट रे अपन नै गले गोटे भीषण बात्या जोटा हमर 120 मैक्सिमम सेही पर्यंत वर्तमान लगुची। धीरे धीरे देखिबा मत लगुच घनीभूत जो लघुचाप क्षेत्र पर आहुरी जे स्थिति आहुरी पिक्चर क्लियर हबो। किंतु गोटे जिनस आधार जना पड़ुची जे से गोटे टर्न नौची गभीर अवपात 22 तारीख पर से जाऊब आमर पश्चिम उत्तर पश्चिम डायरेक्शन से टर्न नौची उत्तर पश्चिम डायरेक्शन से टर्न नौची से आमर आंध्र ओडिशा टार्गेट रिजन आसुचंती। किंतु से टर्न टा बहुत क्रुशियल रहिबो कारण से जदि ओपन ओशन रे टर्न टा निए ताहले आमर टिके पाखापाखी अंचल कि टच एंड गो सिचुएशन हो पारे। किंतु जदि से टिके कोस्ट पाखक आसिक टर्न नब सी आउ पूरा बुली न पारे से जगह आमर ओडिशा आंध्र रिस्क रे आसुचंती। आउ वेस्ट बेंगल भी रिस्क रहुची। वर्षा जहाँ कहले आप 22 तारीख रु आंशिक प्रभाव स्टार्ट करिवो मत लगुची 23 रु जो 25 पीरियड रहिबो सेतिक बेले लगुची प्रबल वर्षा रहिबार संभावना रहुची। तेणु आम पाखरे आउ 5 दिन रहिला मते लागुछि आमे धीरे धीरे प्रिपरेशन आडुकु प्रोग्रेस करिबा। आज्ञा 20 तारीख बेळकु पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप रो रूप नेबो बोली विभिन्न विदेशी मॉडल सब आकलन करुछंती। प्रोफेसर पटनायक कहा जाए अक्टोबर मास बात्यार मास कहीं पूर्व ओडिशावासी बहु बात्यार सम्मुखीन होती बहु बात्या अंगे निभेइछंती अक्टोबर मास रे किंतु एथरो आकलन लेट कहीं होदी आम विदेशी मॉडल कथा देखा आ दुई दिन बाकी रही 20 तारीख में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना तेणु आ दुई दिन बाकी रही बात्या को किंतु आम कौन से निष्कर्ष से कहीं पहुंची पारने नहीं नहीं दी दिन बाकी नहीं मत लगुच जदि बात्या हम सी अराउंड 23 तारीख कि 23 तारीख संध्या कि 24 तारीख सका रेंज लगुच नहीं आमर गोटे आप जो मॉडल मानक कहले मॉडल माने पाणीपाग संस्था नुहंती आमर अमेरिकार जो पाणीपाग संस्था हूँ नेशनल हरिकेन सेंटर आम बेसीन हूँ इंडिया मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट
पानीपाग संस्था मॉडल आर डिफरेंट मॉडल का प्रोजेक्शन आप देखी आसुच्च 12 तारीख रु बहुत इराटिक पैटर्न देखुं बांग्लादेश रु तमिलनाडु पर्यंत रोटेशन करुच्चे जगह आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन नहीं पारे आपके स्टेबिलिटी दरकार आप बर्तमान देखिदेवे जे मोर और लेस रिस्क जोन आसीगला आंध्र ओडिशा वेस्ट बेंगल पर्टिकुलरली ओडिशा और आंध्र मत लगुच लघुचाप क्षेत्र सृष्टि आमर आकलन आसीज आईएमडी बहुत जल्दी आपर एक्शन कारण से जिनसा प्रिसीशन रहा अपडेट भी हम कि अनुसार आप एक्शन इवाकुएशन करेंगे कि कौटि रिहाबिलिटेशन करेंगे कि किचेन चलेंगे तेणु से एक्शन नापी आप गोटे स्थिरता दरकार बॉर्डर में कनसियस दरकार आपे डाइवर्सिफिकेशन मॉडल नहीं कि डिजास्टर मैनेजमेंट करें क्योस डिप्लॉयमेंट हम जदि रिक्वायरमेंट हुए मत लगुच लघुचाप क्षेत्र सृष्टि आहरी प्रिसीशन फोरकास्ट आस आईएमडी तरफ एक्शन हम कि गोटे प्रिपरेशन कही बर्तमान गोटे जो रिसोर्सेस मत लगुच प्रस्तुत बर्तमान कर टाइम आसी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि आकलन आसीगला आहरी प्रिसीशन एक्शन निया ग्राउंड रे बिल्कुल आपणकर आकलन 23 रु 25 पर्यंत यार प्रभाव टिके रहइबो एवं विशेष करी जो आकलन करा जाउछि प्रोफेसर पटनायक जे बंग आंध्र एवं ओडिसा रिक्स जोन रे रहइबो ओडिसा रे केमती प्रभाव रहइबो बोली आपण भाबछन्थि मु सब जिंस ए जो कहले रिक्स जोन टा मु वर्तमान स्टेज रे ओडिसा को हाईएस्ट रिस्क के रखिबी आंध्र को सेकंड रिस्क के रखिबी वेस्ट बेंगल को थर्ड रिस्क के रखिबी सबुटे इंपोर्टेंट रहइबो जे 22 तारिख रे से टर्न कोठी नउछि जदि से ओपन ओशन टर्न नेला ताहले वेस्ट बेंगल को रिस्क बढ़िबो कारण से रिकवर करिया को चेष्टा करूची जदि से आउ टिके आगु को आसीकी जेंती आसानी की जवाब टाइप रो टर्न नबा को चेष्टा करिवो से आ पूरा बुली परिबोनी तनो से पूरा बुलू बुलू कोस्ट आसी जाई पारे आशा मोते वर्तमान जहां लागुची 12 संध्या 12 आफ्टरनून अडे से एंट्री करिया को चेष्टा करिवो कोस्ट पॉइंट खोजिकी 12 संध्या गोटे 24 संध्या आई एम सॉरी 24 संध्या रे लगुच से गोटे कोस्ट पॉइंट एंटर खोजिबो आउ राति रे भी गोटे सिस्टम टा लैंड को एंटर करिबा आल्सो नॉट ए गुड साइन तेणु आमको देखिबा आमे धीरे धीरे जिनस इवॉल्व हबो किंतु लगुच तार रियल नेचर से रिवील करिबो 21 रु 23 भितरे आउरी ता पाखरे समय अछि 23 परे लते लगुच 36 घंटा अछि तेणु से एंटिसिपेशन मु कहूची जे सिस्टम टा बात्यार रूप नबो कि ताठु टिके अधिक भी जीवार संभावना रहउछ आज्ञा प्रोफेसर पटनायक वर्तमान दक्षिण चाइना सागर रे आउ एक सिस्टम रहिछि बलि आकलन करा जाउछि जहा फल रे अंडमान उपकूल रे थिबा घुन्नी बळे वर्तमान घनीभूत होइ पारु नाही एवं कहा जाउछि जे 21 तारिख रे यहा घनीभूत हेबा आरंभ करिवो जेतेबेले घनीभूत हेबा आरंभ करिवो तार विशेष भाव रे प्रभाव ओडिसा उपर पडिवो नहीं देखंतु वर्तमान से जो आपण कहउचंती साउथ चाइना सी रे गोटे सिस्टम अछि एग्री विथ यू किंतु साउथ चाइना सी आउ अंडमान सी भितरे बहुत डिस्टेंस नियर अबाउट 1500-1600 किलोमीटर मते काई लागुनी एते इन्फ्लुएंस होउचि बोली मते गोटे जिंस लागुचि जे जो पल्स आसीथिला से पल्स वर्तमान स्पिन करिया को आरंभ करूचि आउ से टिके टाइम नउचि से टाइम नबार विभिन्न प्रकार कारण हेइ परिथाय आउ बता भितर वायुर चलन भी गोटे कारण हेइ परिथाय तापर द्वितीय जिनस आपण जो कहले ओडिसा को इंपैक्ट ओडिसा को इंपैक्ट मतलब लागु छ 22 दिन बहुत क्लियर हेइ जिवो जे से को जगह रे टर्न नबो केते टर्न नबो वर्तमान स्टेज रे हमर ओडिसा रिस्क रीजन रे आसु छी संपूर्ण ओडिसा मु कहबे उपकूलवर्ती ओडिसा हो कि आभ्यंतरण ओडिसा हो तेणु आमको ता ऊपर नजर दबा पड़िबो ओडिसा वर्तमान प्राइमरी इंपैक्ट जोन रे आसु छी रिस्क जोन रे तापर आंध्र भी आसु छी आ वेस्ट बंगाल भी आसु छी किंतु आंध्र ओडिसा वेस्ट बंगाल ए तीनटा राज्य लगुच प्रबल वर्षा पाइबार संभावना रोचे 23 रु नहीं कि 25 आउ जो विंड रो स्टॉर्म सर्ज रो जो इंपैक्ट मत लगुच अपेक्षा पड़ो से 22 तारीख दिन से रिवील हम जिते बड़े से घनीभूत प्रक्रिया मोर और लेस कंप्लीट कर सारी थी 23 आड़ को आउरी 24 घंटा अच्छी से एंटीसिपेशन मुझे कहूँ आर बात्या हबार संपूर्ण लक्षण रोचे बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संदीप पटनायक पाणिपाग विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करते परवर्ती खबर को आसीबा माध्यमिक शिक्षा परिषद गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति एणिकी नवम एवं दशम श्रेणी पाठ्यक्रम में सामिल हेबो नुआ विषय बुक रिव्यू प्रोजेक्ट वर्क को करिकुलर एक्टिविटीज बेसिक आईटी स्किल को पाठ्यक्रम में सामिल करने बोर्ड पक्ष निष्पत्ति शिक्षा वर्ष 2022-23 लागू करा जाई छी प्रथम करी यह नवम श्रेणी छात्र छात्रीों आरंभ हेब आसंता शिक्षा वर्षरु यह उभय नवम और दशम श्रेणी पाठ्यक्रम में लागू हेब प्रति विषय 25 मार्क रही चारोटी पर्यायर परीक्षा
प्रथम तीनोटि पर्यायर पांच मार्क लेखाएं परीक्षा करने निष्पत्ति बेले शेष पर्यायर दस मार्क परीक्षा करोर्ड पक्ष तेरे विषयगुड़िक छात्र छात्री रखा मार्कगुड़िक प्रतिशत आधार में ग्रेड प्रदान करा जिबो ग्रेड हाईस्कल सार्टिफिकेट प्रतिफलित हो छात्र छात्री यह बाध्यतामूलक सांबादिक सम्मेलन में बोर्ड सभापति कहते नवम और दशम श्रेणी कोर्स करिकुलम रे एस्पिरेशनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करिया पे हमें गोटे फ्रेमवर्क तैयारी करछु एटा चलित वर्ष नवम श्रेणी केवल इंट्रोड्यूस हबो एवं आसंता वर्ष नवम श्रेणी तो दशम श्रेणी गले दशम श्रेणी से पढ़े और नवम श्रेणी भी पढ़े आसंता वर्ष नवम दशम श्रेणी से लागू करा जिबो ये एस्पिरेशनल कंपोनेंट रो चारिटा ग्रुप रही सेगुड़क है बुक रिव्यू देन प्रोजेक्ट वर्क को करिकुलर एक्टिविटीज एंड बेसिक आईटी स्किल्स यही चारिटा उपर एस्पिरेशनल कंपोनेंट बेस करुची एवं याकु नहीं कि पिलामानकर असेसमेंट करा जिवो प्रति कंपोनेंट रे 25 मार्क रखा जाय छी इवैल्यूएशन ऑफ थ्रू आउट द ईयर प्रथम सेकंड प्रथम द्वितीय तृतीय क्वार्टर रे पांच 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 मार्क रु इवैल्यूएशन हबो एवं शेष क्वार्टर रे दस मार्क रु इवैल्यूएशन हबो तो टोटल हला 25 चारोटी जगह मिसिले 100 मार्क रु से मानकर ए या ऊपर मार्क आसीबो एवं जहां मार्क आसीबो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेड कटक रे युवकंक हात बांधी गाड़ी पछरे टाणी टाणी नेवा घटना रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पुलिस एने स्टुअर्ट पटना बासिंदा पीड़ित युवक जगन्नाथ बेहरांक अभियोग क्रमे लालबाग थाना पुलिस सुताहाट अंचल शेख हसन एवं शेख छोटू को गिरफ्त करी कोर्ट चलाण करिछि कटक रे ई घटना समग्र राज्य रे चांचल्य सृष्टि करथिबा बेले कमिशन पुलिस रो पारिबा पणिया उपरे मध्य उठेछि प्रश्न यार अनुध्यान करिबा पई जने एसपी पाहार अधिकारी को दायित्व दिया जाय छी आसो जगन्नाथ को जे जे रास्ता दे स्टुअर्ट पटना को सुताहाट पर्यंत अणा गला रविवार संध्या रे सही सही स्थान रे क्यों पुलिस कर्मी को ड्यूटी लागितला सेमान को कैफत तलब मध्य करा जाय छी सही समय रे चंडी छक रे ड्यूटी करथुआ जने महिला ट्रैफिक कनेस्टेबल ए दृश्य को देखिथिबा कहिसेंती तांको कहिबा मुताबक सही दृश्य देखी चंती से भाविथिले बोधुए से माने रील्स शूट करुछंती किबा किछि गोटे शूटिंग चली छि गाड़ी पछरे दौड़ुथुबा पिलाटी जदि ताकु निर्यातना दिया जाउथुबा कथा कहि थांता किबा बड़ पार्टी करि सहाय्य मागी थांता कथा एत्ते बाट आगै न थांता एपरि ट्राफिक एसपी को देथवा निजर कैफत रे महिला पुलिस अधिकारी जनक समान कथा कहिसेंती सेबडे घटना किपरि घटिला एवं पुलिस पाखरे केमिति खबर पहुचिला नाही कार जांच आरंभ करिछि कमिशनर पुलिस यार अनुध्यान करबा पई जने एसपी पाहर अधिकारी को दिया जायछि दायित्व यास जगन्नाथ को जेउ जेउ रास्ता दे स्टुअर्ट पटना रु सुताहाट पर्यंत अणागला रविवार संध्या रे सही सही स्थान रे केउ पुलिस कर्मी को ड्यूटी लागितला सेमान को कैफत तलब मध्य करा जायछि तबे रविवार संध्या रे चंडी छक रे ड्यूटी करथुवा जने महिला ट्राफिक कनेस्टेबल से दृश्य को देखिथिबा कहिछन्ती धामनगर लढ़िबे पांच प्रार्थी मैदान रे बीजेडी रो अवंती दास कांग्रेस रो बाबा हरेकृष्ण सेठी बीजेपी रो सूर्यवंशी सूरज स्वाधीन प्रार्थी पवित्र मोहन दास एवं स्वाधीन प्रार्थी राजेन्द्र दास आ उपनिर्वाचन को रोचक करिछि राजेन्द्र प्रार्थित्व बीजेडी टिकेट पाई आशायी थे राजेन्द्र तेणु से मैदान में रहिबे ना नाही से चर्चा थमी एवं प्रतिद्वंदी मिली नौका चिन्ह आत जन स्टार प्रचारक तालिका प्रकाश करोथे अच्छा माँ बापा गुरुजन बुजुर्ग चाचा चाची गरीब खटिकिया कृषक भाई और भौणी और साधारण जनता यही मैंने हर्ताकर्ता दैव विधाता उल्लेख कर राजेन्द्र आज प्रचार पर मैदान को ओह्लैबे से धामनगर प्रचार को ओह्लैसी बीजेडी रक्षाकाली पीठ से अवंती दास पूजार्चना करने जहांगीर ठारे होता प्रचार बैठक मुख्यमंत्री लोकप्रियता और धामनगर होता विकास लोकों आशीर्वाद रही आम विजयी हेबू बीजेडी से कांग्रेस प्रार्थी बाबा हरेकृष्ण असुराली ठारे बैठक कर प्रचार आरंभ कर बमकुरा और असुराली अंचल प्रचार करते बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज बापा अधूरा कम पूरण भोट मागिंट धामनगर 3 नवेम्बर सकाल 7 रु संध्या 6 जाए भोट 252 पोलिंग बूथ में मोट 2,38,470 जन भोट देवे बालाट पेपर सह पोस्टल बालाट व्यवस्था होती है 20 पोलिंग पार्टी रही है मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहानी
लिफ्ट्रे फसी हटहटा हेले हबिष्याली पूरी बृंदावती निवास पछपट लिफ्ट्रे तीन ताला उपरक जाऊवा समय लिफ्ट अधारे अटकी जाता जहाँफल तीन जन हबिष्याली लिफ्ट भितर फसी रही है। लिफ्ट्रे अणनिश्वासी होद बोबाड़ी पकड़ते हबिष्याली मैंने उद्धार कर नयागढ़ निवासी जेमादेवपुर पुनी आचार्य असुस्थ होवारु तांको वृंदावती निवास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा एडीएमओ चिकित्सा करथिबा बेले तांकर हृदस्पंदन ठीक थिबा कहिसेंति हविष्याली माने भयरे असुस्थ होई पड़िथिबा जणा पड़िछि। छह ताला बिल्डिंग रे पहाच चढ़ी अनेक समय रूम को जिबा पई समस्या हेउछि एपटे लिफ्ट रे जिबा पई मध्ये अनेक असुविधार सम्मुखीन हेउथुवा देखबा को मिलुछि। आसंता डिसेंबर 27 रु जनवरी 6 जाएं चलो विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रा पुणी चलचंचल हो उठ गोपुर और मथुरा हेले एथर नुआ कलाकार विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रा महाराजा कंस बदलवा सह अन्य कलाकार भी बदलिबे। नुआ कलाकार चयन लागि 7 जन चयनकर्ता दायित्व दिजिव कलाकार अक्टोबर 22 रु 30 जाएं बरगढ़ एडीएम को पाखरे फर्म आवेदन करिबे। यापर नवेम्बर 10 रे नूतन कलाकार चयन करा धनुजात्रा महोत्सव पर जिलापा सम्मेलन होता बैठक में यह निष्पत्ति 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे ए वर्ष धनुजात्रा नुआ कलाकार चयन करा बैठक में निष्पत्ति जिलापा मुनीषा बनर्जी कहते कलाकार चयन हो कि ना ताकू नहीं बैठक में भोट होता नुआ कलाकार चयन नहीं 19 रु 14 जन सभ्य मत रखी आज एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ये गोटे कन्फ्यूजन थिला कि नुआ कलाकार चयन हम ना पुराना कलाकार चलो तो सेटा बाय वोटिंग आम डिसाइड करी एवं कमिटी वोट करी दैट नुआ कलाकार को चयन करा जाऊ सो अकॉर्डिंगली मुख्य कलाकार माने नुआ चयन करा जिवो यही चयन करने 22 तारीख ऑनवर्ड्स फॉर्म एडीएम ऑफिस रू अवेलेबल करा जिवो बाय 30th एवरीबॉडी शुड गिव देयर नॉमिनेशंस जे माने भी चाहूछंती पार्टिसिपेट करबा पई एवं बाय 10th ऑफ नवंबर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आम सिलेक्शन प्रक्रिया को सारी देबा। धनुजात्रा वन ऑफ द इंपोर्टेंट जिनस रोचे केमी करके धनुजात्रा सेफ रहू लोकर जे स्नेचिंग रा प्रॉब्लम होची झील मान लेडीज मान सेफ्टी रे प्रॉब्लम रोचे तो तापाई आम ऑलरेडी गोटे किसी प्लान कर तो आम आशा रखुची कि आम जमी तैयारी करूँ से हिसाब से आमको बरगढ़वासी सपोर्ट मिली आउ आम जे भी दरकार रही बरगढ़ पुलिस पूरा प्रतिबद्ध अच्छा जो मैंने विभिन्न जत्रा बिना स्क्रिप्ट खोला मंच अभिनय करुथबे सेमाने ही बरगढ़ धनुजात्रार कलाकार मनोनयन आवेदन करिपारिबे। भारत बर्षर स्वाधीनता प्राप्ति उपलक्षे यात्रा आरंभ होइतिला एवं समग्र देश में वर्तमान 75 वर्ष पूर्ति अमृत महोत्सव पालन कराऊँगी तेणु यह आम 75th एनिवर्सरी ऑफ बरगढ़ धनुजात्रा हिसाब से डायमंड जुबली हिसाब से आम पालन करने निष्पत्ति ग्रहण कर। श्रीक्षेत्र में विरल दृश्य बस अपराह्नरे व्रत करुवा बेले पिंडरे शेष निश्वास पर्यंत व्रत करुवि सतायु हबिष्याली पुरी सत्यवादी अलगुमर 105 वर्षर हारामणी करुछंती कार्तिक व्रत चम धुड़ुधुड़ु कान को भलरे शुभुनी पुणी आखि को भी भलरे देखा जाऊनी तांकर ए व्रत 60 वर्ष हेला जारी रही जेउथिपई अन्य हबिष्याली उदाहरण पलटिछंती से आसंतु भेटिबा सतायु हबिष्याली हारामणी को। जगन्नाथ है धन मागू नहीं आउ जन मागू नहीं शरदा बाबी चम धुड़ु धुड़ु कान को भल पुनी आखि को भी भल देखा जाऊनी मनरे 100 हाथी बल से बयसर अपराह दृढ़ इच्छाशक्ति जो श्रीक्षेत्र हविष्य करने पहुंची सत्यवादी अलगुमर 105 वर्षीय हबिष्याली हारामणी साहू 45 वर्ष रु कार्तिक व्रत करुवा बेले वर्तमान से 60 वर्ष धरी हबिष्य करुवा कहते सताऊ होते भी हबिष्याली समस्त नियम निष्ठार पालन कर भोरु उठी पूजापाठ कर खाऊ हबिष्यान्न राधा दामोदर व्रत को मने पक बुलुंच स्वामी मृत्यु पर निजर एकमात्र पुअर 18 वर्ष धरी पिलाछुआ होइ नथिला यहाँ से जगन्नाथ को मानसिक कर 35 वर्ष हेब फल आहार कर रही थे आती हेबा पर 5 वर्ष धरी नीलचक्र मानसिक नेत बांधि जगन्नाथ सबू पुरी चलित वर्ष दईतापड़ा साईर सान मठ रही
ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ କରି ମନର ଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ପୁଅ ସେଇ ଧନ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ ମୋର ଆଉ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲାକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କଳାଶ୍ରୀମୁଖକୁ ସେଇଠି ଚକା ଆଖିକି ସବୁ ଚକା ଆଖି ଦେଉଛି ଢଳ ଢଳ ହେଇ। ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ଇତିହାସରେ ହାରାମଣିଙ୍କ ଭଳି 105 ବର୍ଷର ସତ୍ୟାୟୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ହେଉଛନ୍ତି ବିରଳ ଘଟଣା। କାରଣ 105 ବର୍ଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହାରାମଣି। ସାନ ମଠରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ହାରାମଣି ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଠାଧୀଶ। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଅର୍ଥାତ 105 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆସିଛି ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରତ କରିବି ଏବଂ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତ କରିବି। କାରଣ ନିଶ୍ୱାସ ନୈବ ବିଶ୍ୱାସମ କଦା ରୁଦ୍ଧମ ଭବିଷ୍ୟତି ବୋଧହୁଏ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୟସ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀକି ଯେତେ ଝିଅ କହିଲେ ଗାଁରେ ରହ, ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ରାଜି ପଡ଼ିଲାନି, କହିଲା ସେ ଝିଅ ଯାଉଛି ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛି କେତେ ଦିନ ଅଭିଷେକ କରିବ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ମୋ ଜୀବ ଥିଲା ଯାକି ମୁଁ ପଛେ ମଲାଘାଟରେ ପଡ଼ିଥିବି ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବି ମୋତେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାକୁ ଭଲରେ କରିକିରି ଦେବେ ମୋ ହବିଷ ଛଡ଼େଇବେନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବନେଇଛୁ ଏଠି। ବୁଢ଼ୀ ରହିବା ଯୋଗେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲ, ତୁମେମାନେ ଆସିଲ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସିଲ, ଆଜ୍ଞା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି। ଆମେ ସେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ, ଜଗାଙ୍କ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ସେ ମାଆକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ସତ ବ୍ରତ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟମନ୍ତୀ ହୋଇପାରିବୁ? ସେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିନିକା ସେ କାଳିଆ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପତିବ ପାବନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତେ ତାର ଚକା ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କେବଳ ମନରେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବଦଳିବ ନିକୋ ପାର୍କର ରୂପ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଅସରଜଡ଼ା ପାର୍କ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,86,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 110 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁରୁଣା ନିକୋ ପାର୍କ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଡିଏସ୍ ସିଟି ସେଣ୍ଟରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନିକୋ ପାର୍କ, ଯାହା ଏବେ ବିଡିଏସ୍ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନିକୋ ପାର୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ବିଡିଏ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିଟି ସେଣ୍ଟରର କଳେବର ବଦଳାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଏମ୍ସି ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ 1,86,00,000 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଳ ଉତ୍ସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। 86,00,000 ଟଙ୍କାର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜଳାଶ୍ରୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଆଉ ତାର ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ କାମ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 22 ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାମ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ବେଳେ ସାରିବେ। ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 10 ନାଳ ଓ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ସହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ, ଚଲା ପଥ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ 22 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। SHGଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ BMCର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍‌କୁ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
110 दिन में प्रकल्प शेष करने को लक्ष्य रखाई। सेपटे पूर्वर वर्षा जल अमल प्रकल्प और खेल पड़िया उन्नतीकरण भली कार्य करी अभिज्ञता हासिल करथिबा एसएचजी को एथिपाई चिन्हट करा जायछि। गोटे गोटे एसएचजी को सर्वाधिक 10 लक्षर काम दिया सेमानकर आत्मविश्वास रही और निर्धारित समय प्रकल्प शेष हो दृढ़ोक्ति प्रकाश कर। एठी आम एसएचजी माँ मान थ्रु आम कम करम करें मोस्टली डिसिल्टिंग डीविडिंग गोटे गैबियन वाल आउ किसी मानने प्लांटेसन यू कम अच्छे आमको गवर्नमेंट आम एच एंड यू डी डिपार्टमेंटर कनसल्टेंट आम पूरा पूरा हेल्प कर आम भी तरह पूरा रहीबू एमती कि सक्सेसफुल हम यहाँ मान्य मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट तो आम देखा सक्सेसफुली आम कम कर। निको पार्क जदि भल भाव कम हम बहुत पैसा इनकम हम जो बाहर सब लोक मैंने आसूरी से मैंने बहुत पैसा मानने टिकेट काटिक देखिले सीना पैसा टाइम इनकम हम आज जदि अलिया कर पकईदे तेल पैसा कौटू आस आगे जो घास मस सब परिष्कार करदेव तापर जलाश्रय कम आरंभ हम। दीर्घ 3 वर्ष धरी अचल थिबा पुरुणा निको पार्कर पुनरुद्धार हेले केवल जे पर्यटकों आकृष्ट करिबो ता नुहे बरं एहा उपरे निर्भर करुथबा कर्मचारींकर भाग्य मध्य बदलिजिबो। भुवनेश्वर निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया।